नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है तंत्र साधनाएं। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, रमन जी तंत्र साधनाएं होती हैं या नहीं होती हैं। देखिए, मैं यहां पे इस चीज को आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं। ये ज्योतिष में लिखा गया है तंत्र साधनाएं होती हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका है, लेकिन मैं वहां नहीं गया हूं। अब हम बात करेंगे तंत्र साधनाओं की। ये बहुत गुप्त साधनाएं हैं। अगर आप सिद्धि के चक्कर में पड़े हुए हैं, या आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी यक्ष, गंधर्व, नाग, पिशाच, ऐसी कुछ सिद्धियां कर लूंगा, तो मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गुरु बिन ज्ञान अधूरा। बगैर गुरु के आप कोई भी ऐसा पंगा ना लें जिससे आपको लेने के देने पड़ जाए। सोच के समझ कर ही आप इस चक्कर में पड़िएगा। अब हम बात करेंगे कि तंत्र साधनाएं, सिद्धि देखिए क्या है। अगर आपके होरोस्कोप के अंदर लिखा है कि यह चीज आपको प्राप्त होगी, तभी होगी ना, वरना तो यू कैन वेस्ट योर टाइम और पैसा भी आप खराब कर रहे हैं। तो व्यर्थ में ना घूमिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि ये जो साधनाएं हैं, ये गुप्त साधनाएं हैं। गुरु आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो हर चीज को जानता हो। उसकी एक एक गाइडलाइन के अंदर आप चलेंगे तो ही आप ये सारी चीजें प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे तंत्र साधनाओं की। देखिए, तंत्र साधनाएं हैं। साधना का मतलब आप समझ लीजिए, किसी चीज को साध लेना, किसी चीज को पकड़ लेना, उसकी शरण में चले जाना, जब वो चीज आपकी होके रह जाए। इसका आप अगर उपयोग कर रहे हैं, इसको अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप समाज के भले के लिए उपयोग करें, किसी बुरी काम के लिए आप इसको उपयोग में ना लें। अब पामिस्ट्री से भी देखा जा सकता है कि आप साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो तो मैं आपको एक सिंपल सी उदाहरण दे रहा हूं। ये देखिए, जैसे ये मेरे हाथ है, इसके अंदर ये वाली जो एक लाइन है, ये देखनी पड़ती है कि यहां पे सिद्धि का योग है भी या नहीं है। अगर यहां पे योग होगा तो ही आप सिद्धि कर पाएंगे, वरना टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आके बोलते हैं, जी हम उनके पास गए, उनके पास सिद्धियां हैं, ये है वो है। मेरा भाई, मेरे को आप चीज बताइए, अगर उनके पास सिद्धियां हैं तो आपके काम क्यों नहीं हुए? समझने वाली बात है ना इस चीज को लेके। मंत्र, यंत्र और तंत्र वो है जो आप अपने मुंह से करेंगे, पाठ किसी से करवाए नहीं जाते हैं। अगर आप मंत्र का उच्चारण खुद करेंगे तो ही आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर मेरे को भूख लगी है तो लंच कोई और कर रहा है तो मेरी भूख मिट जाएगी? इट्स नॉट पॉसिबल। पॉजिटिवली आप सोचिए, अगर आपको तंत्र साधनाओं से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या आप कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हैं, भटक रहे हैं, तो यू कैन कॉल मी। माय नंबर इज 9876726492। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और पूरी कोशिश रहेगी कि आप अपनी साधना में सफल हो जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।